नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RD एजुकेशन हब में। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस अर्थात विज्ञान का पेपर सोमवार को होने वाला है और मैं आज रविवार को आपके लिए गैस पेपर नंबर 3 लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी आप लोगों के प्यार और आप लोगों की बेहद डिमांड के बावजूद साइंस का पेपर नंबर 3, गैस पेपर नंबर 3 मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। जिन स्टूडेंटों ने गैस नंबर पेपर 1, गैस पेपर 2 अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे जा करके आप गैस पेपर 1 और गैस पेपर 2 जरूर देख लें। और तीनों पेपरों को देखने के बाद मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि आपके लिए मोस्टली 80 से 90% क्वेश्चन आपके तीनों पेपरों से मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है और आप हमारे YouTube चैनल RD एजुकेशन हब के माध्यम से इन तीनों गैस पेपरों को पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बेकार करते हुए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में आपको आज शाम तक हो सकेगा तो, निश्चित नहीं है दोस्तों, अगर हो सकेगा तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में 100% ही आएंगे उनको भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। आप एक बार मुझे बतला दें कि डालना ज़रूरी है या नहीं, गैस पेपर 1, 2 या 3 से ही काम चल जाएगा ये मुझे बता दें। और आप लोगों को आगे की एजुकेशन से जुड़ी पल पल की खबर इसी प्रकार मिलती रहे, कोई व्यवधान ना आए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, उसके अलावा आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको इनको सबको एक बार देख कर ज़रूर जाना चाहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट अलग से ये है कि दोस्तों, सबसे पहले जब वीडियो आप देखते हैं चैनल को लाइक कर दें, बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा क्या कि हमें भी लगेगा कि हमारे चाहने वाले बहुत सारे हैं और उन्हें और भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा अवेलेबल करवाने चाहिए, तो आप अगर लाइक करोगे तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चीज़ अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब स्टार्ट करते हैं आज का गैस पेपर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो रक्तचाप नापने वाले यंत्र का नाम होता है रक्तचाप मापी, अगर इंग्लिश में बोलूं तो स्पाइग्नो नैनोमीटर। ये जो होता है मैनोमीटर, ये रक्तचाप मापने का यंत्र होता है। स्त्रियों के प्रमुख हार्मोन्स आप अच्छी तरह जानते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये स्त्रियों के दो प्रमुख लिंग हार्मोन्स होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है आपको मैं बता देता हूँ। सर्वदाता जो रक्त समूह है वो होता है ओ। उसके अलावा सर्वदाता रक्त समूह तो ओ गया और सर्वग्राही होता है दोस्तों ए बी, आप कन्फ्यूज ना हो, ए बी सर्वग्राही होता है, ओ सर्वदाता होता है। रक्त समूह के बारे में आप जानते होंगे, 4 भागों में इन्हें बांटा गया है, ए बी और ए बी और ओ। ए को एक्सेप्ट करेगा और ओ को एक्सेप्ट करेगा, बी बी को एक्सेप्ट करेगा, ओ को एक्सेप्ट करेगा, ए बी ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ओ को भी करेगा और ए बी को करेगा, इसलिए ए बी सर्वग्राही। ओ केवल ओ को एक्सेप्ट करेगा लेकिन ओ को सभी एक्सेप्ट करेंगे इसलिए ओ सर्वदाता। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के क्या अनुप्रयोग हैं, तो दोस्तों जैसे पैतृकता संबंधी विवादों का हल और सफलतापूर्वक किया जा सकता है और रक्तदान में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है, यही इसके अनुप्रयोग हैं। मैथेन को इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो मैथेन आप अच्छी तरह जानते होंगे, CH4 को मैथेन बोलते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और CH4 के अलावा दोस्तों इसकी जो संरचना सूत्र होता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये इसका संरचना सूत्र है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, विद्युत सेल को निरूपित करने वाला प्रतीक बताइए। तो दोस्तों विद्युत सेल को इस प्रकार निरूपित विद्युत सेल को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, या प्लस आवेश या ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं।
कार्य की परिभाषा लिखो एवं इसका मात्रक लिखिए। बल का प्रयोग करके किसी वस्तु को विराम अवस्था से परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है, और कार्य होता है W बराबर F इंटू S, बल गुना विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, 746 वाट। प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो आपको मैं बता देता हूँ, गामा ग्लोबुलिन ये प्रतिरक्षी प्रकार के प्रोटीन होते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपके खुद के राज्य राजस्थान में उपस्थित है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। गाय की दो अच्छी नस्लें बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ, गिर और एक तो गिर और एक साहीवाल, ये दो गाय की अच्छी नस्ल हैं। तो दोस्तों ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अवेलेबल कराए। अब हम खंड ब के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों आपको इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, आपको मैं क्लियर करता चलूँ, पहला क्वेश्चन है क्वास को और कोर रोग, मैरिस्मस रोग और मोटापा, ये तीनों के तीनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले ए भाग की बात करेंगे, और ए भाग के अंतर्गत जो परिभाषा आपको दे रखी है उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर है क्वासी और कोर रोग, यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। वही बात करते हैं पॉइंट सेकंड की, और पॉइंट सेकंड है मैरिस्मस रोग, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है और आँखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को मैरिस्मस रोग कहते हैं। तीसरा है मोटापा, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है तो उसे मोटापा कहते हैं। शरीर भार सूचकांक मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है, जब 25 किग्रा पर मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटा पूर्व स्थिति, और जब 30 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है, ये इसका अनुपालना करने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं पर समझाइए, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्वैविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयुग्मन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है, जैसे ए प्लस बी इजकस टू ए बी। तो यहाँ पर होगा क्या, कोयले का दहन जैसे कार्बन प्लस ओ टू इजकस टू सी ओ टू, यहाँ पर आप जान रहे हैं कार्बन सॉलिड है और ओ टू गैस है, और यहाँ पर सी ओ टू आपको गैस के रूप में प्राप्त होगा। अगला है विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ए बी प्लस सी, तो यहाँ से बी का विस्थापन हो गया और सी ने बी की जगह ले ली, ये रिएक्शन कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए फेमस रिएक्शन है CuSO4 प्लस ZN, तो यहाँ से ZN आ जाएगा Cu की जगह, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और CU का हो जाएगा दोस्तों विस्थापन। अगली अभिक्रिया है द्वैविस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तथा नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्वैविस्थापन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए बी प्लस सी डी एच कस टू, यहाँ पर होगा क्या कि ए और डी एक साथ आ जाएंगे और बी और सी हैं जो एक साथ आ जाएंगे। आप देख लो, यहाँ से बी का विस्थापन हुआ, स्थान लिया डी ने, यहाँ का पर डी का विस्थापन हुआ, स्थान लिया बी ने, इस प्रकार से ये द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट के उपयोग लिखिए। दोस्तों आपको
हीरा और ग्रेफाइट के उपयोग लिखने हैं, तो मैं आपको क्लियर करता चलूं। हीरा और ग्रेफाइट, कांच को काटने के कार्य के रूप में हीरा का उपयोग किया जाता है, वहीं पर पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। चट्टानों एवं पत्थरों को काटने की मशीन में हीरे का प्रयोग किया जाता है, और वहीं पर शुद्ध स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में हीरे का उपयोग होता है, और इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का होता है। कई रत्नों एवं आभूषणों के निर्माण में भी हीरे का निर्माण उपयोग होता है, जबकि लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में और नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये हीरे और ग्रेफाइट के उपयोग हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव विलुप्त होने के कारण एवं उसके संरक्षण के उपाय बताइए। तो यहाँ पर आपको वन्य जीव संरक्षण के जो विलुप्त हो रहे हैं उसके कारण और संरक्षण के बारे में पूछा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ। वन्य जीवों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, वन्य जीवों का अवैध शिकार, प्रदूषण, मानव व वन्य जीव में संघर्ष। संरक्षण के उपाय हैं दोस्तों, भारत में वन्य जीवों का संरक्षण 1952 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। वन्य जीव के संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए, इनमें राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व ओरन प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, अपने गांव मोहल्ले में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता चलूँ, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आपको करना क्या है, इसके प्रबंधन के प्रमुख तीन तरीके हैं, वो हैं अपशिष्ट, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनर्चक्रण। अब रही बात कि अपने गांव मोहल्ले में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आप करोगे क्या, तो मैं आपको इस प्रकार से लिखना है अपने ऊपर लेकर। जैसे मैं मेरे घर पर एक कचरा पात्र रखूँगा जिसमें प्रतिदिन का अपशिष्ट एकत्रित कर सुनिश्चित स्थान पर ही डालने जाऊँगा। अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण सुनिश्चित करूंगा। पॉइंट वार आप लिख सकते हो, अखबार, रद्दी, धातु, टूटे तार, प्लास्टिक इत्यादि का निस्तारण कबाड़ी वाले को भेजकर करूंगा। बची हुई खाद्य सामग्री, रोटी, सब्जी, फल के छिलके को पृथक से रखकर गाय व अन्य पशुओं को खिला दूंगा। अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन की जानकारी अपने मोहल्ले व मोहल्ले के साथियों को दूंगा एवं अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी मदद करूंगा। सप्ताह में एक दिन मोहल्ले में स्वच्छता का कार्य मित्रों के साथ मिलकर करूंगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी को मोटे तौर पर तीन प्रकार की परतों में बना माना जा सकता है। पृथ्वी की ऊपरी परत भूपरपटी एक ठोस परत है, इसे पृथ्वी की त्वचा माना जा सकता है। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है, इस अंतर के कारण ही कहीं पहाड़ तो कहीं समुद्र बने हैं। पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं, ये सबसे मोटी परत है, अधिकांशतः गर्म पिछली चट्टानों की बनी है। इन सिलिकेट चट्टानों में लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा भूपरपट्टी की तुलना में अधिक होती है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रॉड सर्वाधिक गहराई पर होने के कारण सबसे अधिक गर्म होता है। पृथ्वी के क्रॉड को दो भागों में बांटा जाता है, अंदर वाला क्रॉड ठोस माना जाता है तथा यह शुद्ध लोहे का बना होता है, जबकि बाह्य क्रॉड तरल है, इसमें लोहा व निकल प्रमुखता से उपस्थित है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्रॉड ही है। दोस्तों, आप ये वीडियो आपके अपने खुद के YouTube चैनल RD एजुकेशन हब पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपकी एग्जाम में लाभकारी साबित होंगी ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना चाहिए, वहीं पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैव केंद्रिकता का सिद्धांत समझाइए। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व एक ही इकाई है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही पदार्थ से बना हुआ है जो महाविस्फोट के समय बना था। हमारे होने का ज्ञान या चेतना उसी पदार्थ से उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिकों का एक समूह स्वीकारने लगा है कि विश्व की सब वस्तुएं अलग अलग दिखाई देती हैं, मगर वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सबका अस्तित्व महासागर रूपी परम ब्रह्मा की बूंद की तरह है। नोबेल पुरस्कार विजेता
चिकित्साशास्त्री रॉबर्ट लांजा ने खगोलशास्त्री बॉब बर्मन के साथ 2007 में जैव केंद्रता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार इस विश्व का अस्तित्व जीवन के कारण है। सरल रूप में कहें तो जीवन के सृजन व विकास हेतु ही विश्व की संरचना हुई है। अतः चेतना ही सृष्टि के स्वरूप को समझने का सच्चा मार्ग हो सकती है। बिना चेतना विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जैव केंद्रता का सिद्धांत कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन 19वां है और निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसमें है पहला टाइटन। तो दोस्तों यह शनि ग्रह का उपग्रह है। यहाँ पर उपस्थित द्रव मीथेन के सागर में जीवन होने की संभावना प्रकट की गई। दूसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में स्वचालित यंत्र या मानव को भेजकर अनुसंधान का कार्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहलाता है। तीसरा है क्षुद्र ग्रह, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य लाखों संख्या में छोटे पिंड पाए जाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों पर कीमती धातुएं व अन्य तत्व पाए जाते हैं। ऐसे ही एक क्षुद्र ग्रह वेणु के नमूने लेने को अंतरिक्ष यान भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन व्रत एवं वैज्ञानिक के क्षेत्र में उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर एक लेख लिखना है। तो डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत अया हुर्रे सोलोमन थे। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नायक अपाचे छोड़ा। इन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया था। इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी जिससे रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया। सलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। 1958 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए इनकी हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया, जो भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए अपूर्णीय क्षति है। टिप्पणी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको टिप्पणी करनी है और आपको टिप्पणी करनी है खतरे के संकेत लाल ही क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, अतः इसे दूर रंग को दूर से देखने पर भी यह रंग स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है ड्राइविंग के दौरान सेल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करते समय वाहन चालक का ध्यान अन्य किसी दिशा में चला जाता है एवं दुर्घटना की संभावना अधिक हो जाती है। गोल्डन ओवर क्या है, आवर क्या है? तो दोस्तों दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समय अवधि के अंतर्गत अस्पताल तक पहुँचाने के समय को गोल्डन आवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 और ये है पृथक्करण का नियम युग्मकों की शुद्धता नियम का उदाहरण सहित निरूपण कीजिए। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है। तो इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर के युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे, आप अच्छी तरह जानते होंगे लंबे पौधों को आप TT से दर्शाते हैं जबकि बौने पौधों को आप small TT से दर्शाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, एक बार आप इसको अपनी बुक में ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों को अलग अलग प्रकार से करके यहाँ पर एक सारणी प्राप्त की जाती है और उस सारणी को मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं T, यहाँ पर मैं T मानता हूँ और ये T और ये T, सबसे पहले TT बनेगा
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और उसके बाद स्मॉल टी टी बनेगा, और सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, और फिर स्मॉल टी बनेगा। इस प्रकार से ये एफ टू पी डी हो जाएगी, ये एफ वन पी डी थी। इसको आप एक बार किताब में और देख जाएं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न यौगिकों के गुण एवं उपयोग लिखिए, जैसे कि पहला है विरंजक चूर्ण CaOCl2, तो यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठंडे जल में विलेय है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस है, यह तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन, नवजात परमाणु ऑक्सीजन को दर्शाते हैं दोस्तों इस प्रकार से, नवजात परमाणुविक ऑक्सीजन निकालती है। यह ऑक्सीजन विरंजक क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। इसके उपयोग हैं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा NaSCO3, जैसे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में अल्प विलेय है, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके उपयोग हैं खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, एंटी एसिड के रूप में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं धावन सोडा की, Na2CO3.10H2O, इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलेय है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। इसका उपयोग है धुलाई व सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, इसका सूत्र आप जरूर याद रखें। ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने व प्लास्टर चढ़ाने में व भवन निर्माण में किया जाता है। दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है, मूर्तियों आदि सजावटी सामानों को बनाने में भी यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का प्रयोग किया जाता है, इसको शॉर्ट में POP कहते हैं। अग्निशह पदार्थों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। इनका जो गुण होता है, श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 अर्थात 23वां हो गया, जिस पर हमने संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। दोस्तों ये वीडियो आप RD एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। आज मैं शाम तक सोशल साइंस का भी पेपर डालने की कोशिश करूँगा, अगर आज शाम को नहीं डाल पाया तो कल सुबह तक आपको मैं सोशल साइंस का पेपर ज़रूर अवेलेबल करवा दूँगा, और इसी प्रकार से आप वहाँ से जाकर भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन है। 2 ओम, 3 ओम या 4 ओम के प्रतिरोध किसी प्रपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन को 1 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो निम्न को ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जब श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा तो एक समान बहेगी। तो सबसे पहले आपको मैं प्रतिरोध में धारा ज्ञात करके बताता हूँ। आप सब जानते हो B = IR, और यहाँ से आप अगर I का मान निकालोगे तो I का मान हो जाएगा दोस्तों I = B/R, और यहाँ से मैं आपको क्लियर करता चलूँ, आपको B का मान दे रखा है और R का मान भी दे रखा है। सबसे पहले समांतर श्रेणी है, इसलिए R = हो जाएगा R1+R2+R3। तो यहाँ से R का मान हो जाएगा 2+3+4, तो 4 × 3 = 7 + 2 = 9, अर्थात 9 ओम। यहाँ पर तुल्य जो प्रतिरोध है वो है दोस्तों 9 ओम। अब मैं आपको बता देता हूँ, मुझे निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो धारा तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान बहेगी,
तो आई बराबर बी हो गया आपका 12 वोल्ट और आर हो गया 9, 3 से ये कट जाएगा तो आई का मान आ जाएगा 3 चौका 12, 3 8 9, अर्थात 4/3। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर आप विभवांतर निकाल सकते हैं, और विभवांतर कैसे निकालेंगे, जैसे पहले प्रतिरोध के लिए निकालेंगे बी वन बराबर आई आर वन। तो दोस्तों आई का मान अभी निकाला 4/3, आर वन का मान 2, 4 × 2 = 8, 8/3 वोल्ट। वहीं निकाल तो बी टू आई आर टू, आई का मान 4/3, आर टू हो गया 3, 3 से 3 कट गया 4 वोल्ट। बी थ्री आई आर थ्री, आई का मान 4/3, आर थ्री का मान 4, 4 चौका 16, 16/3 वोल्ट। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 25वां, और वो है 100 किग्रा द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपके लिए द्रव्यमान दे रखा है m, और m का मान दे रखा है आपके लिए 100 kg, 100 kg। उसके बाद आपको दे रखा है प्रारंभिक वेग u, u दे रखा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर लो आप 20 × 1000, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, और आवर को 60 × 60 करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा, और यू का मान आ जाएगा 5.56 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आपको ये करना है। अंतिम वेग भी बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज आप करोगे तो 40 × 1000 / 60 × 60, तो ये हो जाएगा बी बराबर आपका 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा। तो किया गया कार्य W होगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, और प्रारंभिक हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। तो दोस्तों W बराबर हाफ एम तो आ गया कॉमन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सूत्र लगा देना है। बी का मान आपके पास है ही है, अभी 11.11 जो आया था 11.11, और यू का मान आपके पास आया था 5.56। इसका मान रखते ही आपका आएगा 4626 जूल, जिसको आप किलो जूल में बदलेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 4.63 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है लाख कीट संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपको लाख कीट संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। विश्व में लाख के कुल उत्पादन का 80% भाग भारत में उत्पादित होता है। लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख कहते हैं। लाख कीट छोटे आकार के रेंगने वाले सल्की काट हैं, जो स्वयं द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद होकर सुरक्षित रहता है। नर लाख कीट मादा के आकार में छोटे तथा गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फा अवस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। मादा लाख कीट आकार में बड़े होते हैं तथा अधिक लाख उत्पन्न करते हैं। ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर रस चूसना प्रारंभ करती हैं तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देती हैं। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां, जैव विविधता के संबंधित जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं गैस पेपर फर्स्ट में और गैस पेपर सेकंड में अवेलेबल करवा चुका हूँ, वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो। मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों स्क्रीन पर मानव हृदय का चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए आप ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर अपनी पाठ्य पुस्तक में देख कर जाएँ।
रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र के प्रयोग के प्रमुख बिंदु लिखिए एवं चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ पर इसका भी चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप अपनी पाठ्यपुस्तक में जरूर देख कर जाएँ। उसके अलावा मेंडलीव को आवर्त सारणी के गुण एवं दोष भी आप वहीं से एक बार देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, परावर्तन इस वीडियो में आ गया है। इस प्रकार एवं नियम लिखिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को निम्न स्थितियों के कारण चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर चित्र बनाना संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को अथवा वाले को और बगैर अथवा वाले को आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख कर जाएँ। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपके अपने यूट्यूब चैनल RD एजुकेशन हब के माध्यम से अवेलेबल करवाने की कोशिश करी। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे के लिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं आपको कल के आंसर की अवेलेबल करवा दूंगा जैसे ही आप पेपर देके आएंगे उसके बाद, और उसके अलावा आपको सोशल साइंस का पेपर